नए साल की शुरुआत होने वाली है। हर कोई नए साल में कुछ नया और कुछ अच्छा करने का प्रण लेता है। हर कोई बस यही कामना करता है कि नए साल में सब कुछ शुभ हो। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो नए साल पर घर लाना रहेगा बेहद शुभ। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी खास चीजें हैं जो नए साल में आप अपने घर ला सकते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में दाई तरफ मुंह वाला शंख यानी दक्षिणावर्ती शंख होता है, वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लोग नए साल में दक्षिणावर्ती शंख अपने घर लाते हैं, ताकि साल भर घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस जल का पूरे घर में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। घर में नियमित पूजा में भी शंख को धूप दीप दिखाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब भी दक्षिणावर्ती शंख को घर में लेकर आए तो हमेशा उसे लाल कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर रखना चाहिए। वही दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का खास महत्व होता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, लेकिन जिनके घरों में तुलसी का पौधा नहीं है, वो नए साल के शुभ अवसर पर तुलसी का पौधा ला सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है तुलसी का सही दिशा में होना। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में लगाना फलदायी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मोर के पंख की। नए साल के मौके पर सबको मोर का पंख जरूर खरीद कर रखना चाहिए। मोर पंख भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। घर में मोर पंख रखने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। आमतौर पर धातु के कछुए को भी बेहद शुभ माना जाता है। धातु के कछुए को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर या ऑफिस में धातु के कछुए को रखते हैं, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। बता दें कि कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के इसी अवतार ने अपनी पीठ पर पर्वत को उठाया था। अगर आप घर में लघु नारियल रखते हैं तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। लघु नारियल को घर लाकर उसकी पूजा करें और उसे तिजोरी में रख लें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि लघु नारियल भले ही आकार में छोटा होता है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है कि इसे घर पर रखते ही धन आकर्षित होने लगता है। नए साल के मौके पर आप लाफिंग बुद्धा भी घर ला सकते हैं। इसको घर में रखने से पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से पैसों की कमी भी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान पर रखने से दुर्भाग्य या नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। पैसों की पूर्ति के लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और कहीं अटका हुआ धन जल्द प्राप्त होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।